नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। वो टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स दो टाइप्स की होती हैं, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव यूनिट। फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स सेवन टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट लेंथ, इसकी यूनिट होती है मीटर, डायमेंशन एल। सेकेंड मास, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, केजी सिंबल होता है, डायमेंशन होती है एम। थर्ड टाइम, इसकी यूनिट होती है सेकेंड, डायमेंशन होती है टी। फोर्थ करंट, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, डायमेंशन होती है ए। फिफ्थ टेम्परेचर, इसकी यूनिट होती है केल्विन, डायमेंशन होती है थीटा। सिक्स्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट होती है मोल, डायमेंशन होती है मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडला, सी डी डायमेंशन होती है। फिर होती है ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स की डेफिनेशन हो सकती है कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। इसका एग्जांपल, फर्स्ट वॉल्यूम, इसकी यूनिट होगी मीटर क्यूब। सेकंड डेंसिटी, इसकी यूनिट होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। थर्ड वेलोसिटी, इसकी मीटर यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। फोर्थ फोर्स, इसकी यूनिट होगी न्यूटन। कुछ और सब यूनिट्स होती हैं, जैसे एग्जांपल सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसमें फॉर्मूले का यूज़ होता है, जैसे एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हम लोग एंगल्स की बात करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं एंगल्स इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। फॉर्मूला होता है डी थीटा इक्वल टू डी एस अपॉन आर। डी थीटा हमारा क्या एंगल, डी एस हमारा क्या है आर्क या चली गई दूरी या लेंथ, आर हमारा क्या है रेडियस। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे दिया हुआ है कैलकुलेट द एंगल ऑफ वन डिग्री। वन डिग्री का एंगल हमें कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे डी थीटा इक्वल टू डी एस अपॉन आर। अब एंगल हमारा कितना होगा 360, क्योंकि एक सर्कल पूरा रोटेट करने में 360 डिग्री एंगल होता है। तो सर्कल पूरा सर्कल की बात करें तो उसका आर्क क्या हो जाएगा सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr और रेडियस हो जाएगी आर। आर से आर कैंसिल कर देंगे तो 360 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 2π रेडियन। अब 1 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो 360 से डिवाइड कर देंगे तो 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन 180 रेडियन। क्लास प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।